उठ गए उठ गए, पापा उठ ही आ रहे हैं। और ये देखो वेलकम हो रहा है पापा का सुबह सुबह। बती कौन आ रहा है अभी, देखना गाइस क्या होने वाला, मजा आने वाला है। ये वेलकम होता है इनका ऐसे रोज सुबह। ये पहले मिक्की महक आए थे, उनका भी ऐसे वेलकम होता था। ये हुआ वेलकम शुरू। कह रहे कहाँ थे रात भर आप, कहाँ थे? इसको इसको नहीं है, ये प्यार से मिलता है, बड़े ये बड़े डॉगीज की तरह मिलता है, बड़े बच्चों की तरह। बस स्टडी, बस बस बस। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैंने तो दो तीन बार और आया था इंडिया से माइक्रोफाइबर क्लॉथ कार धोने के लिए, मेरे पास ऑलरेडी है पर वो लाए हैं, कह रहे और धो कार और धो, चमका मार ले कार, बहुत सारे आए हैं अभी भी, कह रहे बहुत गंदी कार है तो चमका। एक चीज़ को दिखाऊंगा आपको, इंडिया से जो नमकीन आता है ना ऐसा नहीं खुलता है, छिपा ऐसा नहीं खुलता, वो ऐसा खुलता ही नहीं इंडिया का कोई भी पैकेट। तो ये तो इसी होगा ना, वो यहाँ यहाँ खुलता है अमेरिका में, इंडिया वाले या तो दांत से खोलो या कैंची से काटो। ठीक है, हाँ गाजी आपको नहीं पता होगा, जो अमेरिका में नमकीन होते हैं ना या कुछ भी पैकेट होते हैं चिप्स वगैरह के, वो बस ऐसे बेसिकली इनको यहाँ पकड़ो, एक यहाँ पकड़ो और खींच दो, खुल जाते हैं, पर इंडिया वाले नहीं खुलते, इसलिए वो शिल्पा को प्रॉब्लम हो रही थी अभी। और यहाँ पे ग्रीन भी होता है ना हमारे यहाँ ग्रीन। हाँ ये ग्रीन है, ये ऑनलाइन है ना, इस समय स्टेटस ऑनलाइन है इसलिए ग्रीन है, वेजिटेरियन है। ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। रेड वाला बिजी है, रेड वाला बिजी होता है ना, ये ग्रीन वाला अवेलेबल है। हाँ ये अवेलेबल है ग्रीन वाला। ओ मम्मी भी आ गई, मम्मी भी आ गई, चलो वेलकम करो, जाओ जाओ वेलकम करो। हाँ अरे दादी आ गई, दादी आ गई, टैडी यार, टैडी के वेलकम करेगा आपको, टैडी वेलकम करेगा आपका, बस ठीक है, वेलकम तो करेंगे हम तो। पूछ रहा है ना रात में नींद अच्छी आई, हां टैडी ठीक रहा सब कुछ, क्या बदी बदी जाओ वेलकम करो, जाओ नहीं उसको तो दादा से मतलब है, दादा बड़ी तो पापा के पीछे पड़ा हुआ है, बस कर कर लेता हूं वैसे तो, बट बस जाओ आने नहीं देगा, भाई गुस्सा आ रहा है बहुत। अभी हमारी एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी शिल्पा की, यहाँ का अमेरिका की ये सिस्टम बहुत गंदा लगता है, दिखाना क्या इधर मुझे, यहाँ का ये सिस्टम मुझे बहुत गंदा लगता है। डॉक्टर आपको बुलाएगा, आप बिल्कुल ऑन टाइम पे पहुँचोगे, वो आपसे 15-20 मिनट आधा घंटा एक घंटा वेट कराएगा और आप वेट करोगे और फिर वो आपको देखेगा, पर अपॉइंटमेंट होते हुए भी, लेट्स से आपकी 3 बजे की अपॉइंटमेंट है तो आपको 3 बजे पहुँचना है और फिर वो आपसे वेट कराएंगे 3:30 आराम से 4:45 बजे देखेंगे आपको, तब आप तब तक वेट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। पर अगर आप 3:15 बजे पहुंच गए ना गलती से, हम नहीं देखेंगे आपको, आप लेट हो हम नहीं देखेंगे। ये सिस्टम अमेरिका का बहुत गंदा लगता है मुझे, आज यही हमारे साथ। तो आज क्या हुआ, आज हमारी 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी गाइस और हम लोग पहुंचे 3:20 पे, शिल्पा ने हाफ डे लिया था, मेरी मीटिंग्स थी, ट्रैफिक था, लेट हो गए आज, मैं मानते हम गलती, हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं हम लोग, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आज हमें। पर अगर आज आप 20 मिनट लेट हो गए, कहता नहीं आज मैं देखूंगा तो मैं घर वापस, पूरा खाली पड़ा था, खाली पड़ा था, 40-45 मिनट दूर था ये डॉक्टर। हाँ 40 मिनट ड्राइव करके गए हम लोग, इतनी दूर हम ड्राइव करके गए और बोलता है कि क्योंकि तुम लेट हो इसलिए मैं आज नहीं देख सकता और मैं कल रिस्केड्यूल कर लूंगा तुम्हें। तो अगर हम 15-20 मिनट लेट हो गए तो डॉक्टर देख ही नहीं सकता, हमने एक दो देखेगा नहीं, हमने एक दो बार रिक्वेस्ट की, हमने कितनी बार एक्चुअली रिक्वेस्ट की कि भैया हम इतनी दूर से आए हैं तो देख लो, हाफ डे लिए ट्रैफिक छोड़ के आए हो यार, देख लो यार क्या हो गया, हमेशा टाइम पे आते हैं हम लोग, आज लेट हो तो क्या, एक बार हो गया तो क्या हो गया, मतलब पेशेंट की कुछ पड़ी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट डॉक्टर ना, जो डॉक्टर वो करना है वही करेगा, और मैंने कहा तुम लोग वेट कराओ घंटा भर तो ठीक है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो मानते भी नहीं ना, वो तो जो भी है यही है। और फिर लास्ट टाइम भी पता क्या हुआ था याद है, जब हमारी हाँ हम पहुंच गए बिल्कुल टाइम पे, सब सही था, ये छुट्टी पे निकला, हाँ ये नहीं, हाँ छुट्टी पे निकला है और फिर किसी ने कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस हम जब पहुंच गए ना तब हमें बता रहे हैं
कि डॉक्टर आज अवेलेबल नहीं है तो तुम्हें रीस्केड्यूल करना है या कोई और डॉक्टर से देखना है। मतलब ये क्या बात हुई, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो तुम अपने पेशेंट्स को पहले कॉल करके बताओ ना कि भी अवेलेबल नहीं है, तुम क्या करना चाहते हो, उस टाइम बोलो रीस्केड्यूल करने का। अब कोई 40 मिनट ड्राइव करके आए और उस टाइम बोल रहे हो कि रीस्केड्यूल करना है या किसी और डॉक्टर को देखना है, और तब तो मिल गया ना दूसरा डॉक्टर। आज कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं, आज दिखा दे दूसरे डॉक्टर को, आज भी नहीं दिखाया, आज कोई अवेलेबल नहीं, आज वापस जा रहे हैं, आज हम लोग अपना टाइम वेस्ट करके, छुट्टी वेस्ट हो गई शिल्पा की, अब और मेरी मीटिंग हमने छोड़ी है, इतना आने जाने का 1.5 घंटा बर्बाद किया, सब वेस्ट। ये सिस्टम बहुत गंदा लगता है मुझे। तो इट्स ऑलवेज की भी डॉक्टर क्या चाहता है, यू नो, डॉक्टर की मर्जी चलेगी, तुम जो मर्जी कर लो। मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं यूटी साउथ वेस्टर्न प्लेनो, प्लेनो का ऑफिसर रॉबर्ट स्टूअर्ट उसका नाम है। अगर आप लोग गाइस यहाँ पर अमेरिका में उससे ट्रीटमेंट ले रहे हो, छोड़ दो, कोई और देख लो। बहुत ही रूड स्टाफ है, स्टाफ भी बहुत ही रूड है, मतलब कुछ सुनता ही नहीं है कोई, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप जो मर्जी बोल लो, ऐसे इग्नोर से कर रहे हैं कि दे डोंट केयर, बस सीधा सीधा, और वो भी एहसान करके ऐसे बोल रहा है ही कैन सी यू टुमारो, कल खाली होगा ना इसलिए टुमारो, वरना घंटा लेगा वो टुमारो। ऐसे एहसान करके बोल रहे थे कि दे कैन सी यू टुमारो, कल खाली होगा ना शिल्पा, अगर इसके पास ऑलरेडी कस्टमर्स होंगे, पेशेंट्स होंगे, तो थोड़ा देखता टुमारो, तो कैसे देख लेता, खाली होगा अगर वो। और आज भी पूरा खाली पड़ा था, ये नहीं था कि भी भरा पड़ा हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि भी तुम लेट हो और बहुत सारे पेशेंट हैं, पूरा का पूरा खाली था, सिर्फ हम अकेले थे, बट वो ये कि भी नहीं देखना डॉक्टर को, तो नहीं देखना, यही बात है। यूटी साउथ वेस्टर्न रॉबर्ट स्टूअर्ट, छोड़ दो। दो दिन में ये हाल है, दो दिन में कैसे चिल्लाती हुई आई थी, ए, ए, और आज देखो दो दिन में खेल रही हो उसके साथ, अभी तो 5.5 महीने से ज्यादा दिन पड़े हैं, जब तक जाओगी ना तब तक प्यार हो चुका होगा आपको, इसकी भी टिकट करानी पड़ेगी, कोई तो हमसे ज्यादा इसको मिस करोगी। टैडी टैडी तेरे से भी कोई खेल सकता भाई, टैडी पटा लेता सबको, बड़ी को नहीं पटा पाया बस। ऑस्कर देख रहे हो क्या प्यार, देख अब तो खेल रहे हैं, अब तो दोस्ती होगी, बस छोड़ छोड़ ऐसे। मैंने अभी मम्मी को बताया, वो हमारे हॉस्पिटल में जो शिल्पा को अपॉइंटमेंट के बाद भी उन्होंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि भाई 15 मिनट लेट हो गया, बंदा देखा ही नहीं उन्होंने, तो मम्मी को बताया, मम्मी भी हैरान होगी कि ऐसा होता है यहाँ पर। मैं इंडिया में रिवाज नहीं होता, देख लेते हैं फिर भी फ्लेक्सिबल है मुझे इतना इंडिया में, अगर पेशेंट 4 पेशेंट बैठे हैं ना उसके बाद देख लेंगे, फ्लेक्सिबल है यहाँ पे, पता नहीं खाली पड़ा था फिर भी नहीं देखा, घर जाओ वापस, क्योंकि डॉक्टर को ऐसा लगता है कि भी डॉक्टर कुछ भी कर सकता है और पेशेंट को तो आना ही आना है ना, तो डॉक्टर जो मर्जी करे, तो उनको लगता है कि अगर हम लोग 15 मिनट लेट हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर वो 1-1 घंटा लेट आ जाए तो इट्स ओके, तो वी शुड टीच देम अ लेसन। बंद वाले शूज तो फिट ही नहीं आ रहे। अच्छा पैर का साइज बढ़ गया, मोटे हो गए, बढ़ गया नहीं, मोटा हो गया, शिल्पा पाँव भारी हो गया तुम्हारा फाइनली आज, ये थोड़े से पहले से लूज थे ना तो ये ठीक है। वो वाले तो फिट ही नहीं, घुस ही नहीं रहा पैर। गाइज अब सेकंड डे की रिकॉर्डिंग है, आज हमारी फिर से वो वाली अपॉइंटमेंट है, कल जो डॉक्टर ने मैं घर भेज दिया था, ही वाज सो इनकंसिडरेट, कोई कंपैशन नहीं अपने पेशेंट्स के थ्रू, तुम 15 मिनट लेट आओ घर जाओ वापस, बट एनीवे 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, आज बहुत अच्छे टाइम पे निकले हैं, और आपको शर्ट लगा रहा गाइस, शर्ट वो आज वो लेट हो गए, देखना आपको लाइव दिखाते हैं, आज 10:13 हो रहे हैं, इस समय 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, और बहुत अच्छे टाइम पे निकल गए हम लोग, 1/2 घंटे पे पहुंच जाएंगे, आप देखना 11 बजे वो तो नहीं आने वाला, वो आएगा 11:15, 12:30 तक आएगा, आपको दिखाता हूँ कब आएगा। गाइस ये हॉस्पिटल टेक्सास हेल्थ प्री स्पाइट बड़ा, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वैसे तो, 10:50 में आ गया हूँ मैं, शिल्पा ऑलरेडी जा चुकी है चेक इन करने, मुझे पार्किंग में टाइम लग गया था ना, तो 10 मिनट में बस मैं वॉक करके पहुँच जाऊँगा, शिल्पा तो ऑलरेडी पहुँच चुकी है, 11 बजे का टाइम था, आज आपको दिखाता हूँ कितने बजे आता है डॉक्टर, क्योंकि हम लोग लेट आए ना इट्स अ प्रॉब्लम, 15 मिनट लेट जो है मैं मानता हूँ हमारी गलती थी, बट थोड़ा सा कर्टसी, थोड़ा सा भाई प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रीटमेंट डिनाई नहीं करनी चाहिए यार, और मेरी प्रॉब्लम बस ये है कि तुम लोग घंटा लेट करा दो तो ओके है, हम लोग 15 मिनट लेट हो जाए तो प्रॉब्लम है, आज आपको दिखा दो कितने जाएगा, देखना आपके सामने। हो गया इस अपॉइंटमेंट, अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी क्योंकि प्राइवेट बिल्डिंग होती है ना, प्राइवेट ऑफिस होते हैं, जैसे कि आपने गैस किया था 30 मिनट्स लेट, 1/2 घंटा लेट आया आज भी डॉक्टर, हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमें काम करवाना है ना, अपना काम करवाना है,
बट हम लेट हो जाए ना 15 मिनट तो सॉरी सॉरी आपकी गलती, घर वापस जाओ, कल आना। डॉक्टर ने अपोलोजाइज किया, ठीक है समझ आता है, बट फिर भी ऐसा ना होता है ना कि भाई तुम्हारी उन्हीं की चल रही है ना, बस बात ही है उन्हीं की चल रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो लेट्स टीच देम अ लेसन। मैं इसके इनके ना कंप्लेंट करूंगा, मैंने फॉर्म डाउनलोड किया है इसका, वेबसाइट से सबमिट करूंगा मैं आज, और वो लेट करे तो सही है, हम लेट करें तो प्रॉब्लम है, बस मेरी यही कंसर्न है। एनीवे चलता है घर। देखो कैसे लेटी पड़ी है, नींद आ रही सबको, तीसरा दिन हो गया है, जेट लैग नहीं खत्म हुआ। मुझे लग रहा है बडी को भी जेट लैग चल रहा है। शिल्पा इसको भी 4 साल हो गए हैं, जेट लैग ही चल रहा है इसको भी ना, 3-4 साल जेट लैग ही चल रहा है इसका। टैडी को भी जेट लैग हो रहा है, ऑस्कर को भी जेट लैग हो रहा है, पापा को हो रहा है जेट लैग, तो ये सो रहे हैं 2:30 बजे उठ गए थे रात को, जो यही होता है जेट लैग, सो रहे मस्त। पापा को ना जेट लैग का मतलब नहीं पता था क्या होता है, क्या उनको लगा कि लेग से समथिंग होता है, लाइक लेग आ गया ना, लेग मतलब पैर, तो कह रहे पैर पैर में दर्द होता होगा, तो ये नहीं पता कि ये होता है जेट लैग, ये जो होता है ना, ये जो सो रहे हैं पीछे, ये होता है जेट लैग। दिन के 5 ये सो रहे हैं। गाइस बिंगो भी आ गया वापस, बिंगो 2 दिन के लिए आए, ऑस्कर भी हमारे पास, तो 4 डॉग्स हो गए हैं। पर ऑस्कर कौन है, बिंगो कौन है, दैट्स द क्वेश्चन। दोनों सेम से हैं और दोनों सेम सा साइज भी, इनका दोनों का सेम सा लग रहा है। तेजा मार्क किधर है, मार्क किधर है, मुझे लग रहा है एक के गाल पे मार्क बनाना पड़ेगा। मार्क इधर है, ये ऑस्कर है, ये दिख रहा है मुझे, ये बिंगो है। ऑस्कर तेरे गाल पे मार्क लगा दूँ इधर ऐसे क्रॉस वाला, तब पता लग जाएगा वो ऑस्कर है। तेजा मार्क इधर है। गाइस बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, पर 2 दिन ले आया बिंगो, चला जाएगा 2 दिन में। गाइस हम लोग पापा मम्मी को इंडियन स्टोर लेके आए, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी है। $7 का देखो पाव भाजी मैशर लाया ना तुम शिल्पा के लिए, ये रहा $7 का। कितने हुआ $7? 550 रुपये इंडिया में तो सस्ता होगा, बट इंडिया मिलता है सब कुछ 150-200 का, 550 का इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। क्या हो गया, ये वाला सेम ब्रांड का लेकर आएंगे फिर क्या, तो फिर मतलब यहाँ तो महंगा होना है, यह सब मिल जाएगा, सब मिल जाता है। ये क्या राइस सेविंग, अरे हाँ राइस सेविंग बहुत टाइम से नहीं खाई। पैसे हमें ना बड़े बड़े पैक ले रहे हैं हर चीज़ के, जैसे 4 पाउंड का पैक है या 2 पाउंड का पैक है, हमने 4 का लेंगे ना, नवंबर तक मम्मी आई है, अब तो रोज़ यही खाना बन रहा है, अब तो कुछ चीज़ ख़राब नहीं होगी। शिल्पा अरे ये लाए थे अब इंडिया से, 25 रुपए के लाए थे, 25 रुपए के लाए थे, ये $4 की है गाइस, $4 की है ये, अभी अभी लाया मम्मी पापा। इस पर कितने लिखे हैं, इस पर नहीं लिखे क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट पैक है ना, ये 400 रुपए की लाया था ये। इट्स फन, मज़ा आ रहा है ना देखा, इसलिए जब आप इंडिया से आते हो ना हम आपसे ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं। अरे गुंजिया ले लो मम्मी, गुंजिया ले लो, मैं इतनी बढ़िया बना के लाएगी, आप भेज दो अपनी फिर। देखा हमारी गुंजिया कितनी अच्छी लगती है। गाइस हम लोग चेकआउट पे आ गए हैं, देखो ये ना ये ऐसी चीज़ें लाई है ना मम्मी, इंडिया से लाई है बहुत सारी, ये $3-3 की है क्या ईच, $3 यहाँ पर, बढ़िया मिल सब जाता है, बस थोड़ा महंगा होता है। तो ये आज हमारी कार्ट, पापा ने लिए अपने लिए बिस्किट्स, रस ये बिस्किट और प्याज, वर्मिसली दाल, खीरे, अचार, पोहा, मूली, और इन दोनों में से एक मैंगो का डब्बा लूँगा मैं, एक लूँगा, पता नहीं कौन प्राइस कितना ये नहीं बताऊँगा। गाइस मैंने 4 डॉग्स को अलग खाने देना पड़ता है, ऑस्कर को, टैडी को, बडी ने खा लिया, और यहाँ बिंगो खा रहा है, क्योंकि चारों के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है ना। और पता है मैंने इसे ना ऑस्कर के गले में हटा दिया कॉलर, पर बिंगो के गले में है, ये देखो निशानी के लिए कि पता लग जाएगी भाई ये सही डॉग है। कन्फ्यूजन हो रही है बहुत, हो गया चलो हो गया लो। गाइस हमारा प्ले टाइम हो गया शाम का, और सारे डॉग्स प्ले कर रहे हैं इस समय यहाँ पर, ये देखो चलो चल के जंपी जंपी, पीछे भी है सब, है सब खेल रहे हैं यहाँ पे। गाइस ये वाले ब्लॉग करते हैं बंद, मिलेंगे आपसे एक और लवली लवली ब्लॉग में गाइस, बाय। अपने आप खेल रहे हैं दोनों, दिस वन इज बिंगो क्योंकि हमने इसके गले से कॉलर नहीं उतारा, और ऑस्कर वो है, ऑस्कर ऑस्कर, या खुद ही रोल बोल कर रहा है।